अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू तारिक खान किचन फूड मजास्टर। अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें अता फरमाए। तो आज मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में कटलेट्स लेकर, वेजिटेबल और चिकन के कटलेट्स, मज़ेदार टेस्टी। तो सबसे पहले आपने आलू बॉयल कर लेने हैं, आलू बॉयल करने के बाद आपने इन्हें मैश कर लेना है अच्छे तरीके से, ऐसे बिल्कुल बारीक कर लेने हैं आपने। सबसे पहले मैं इसमें गाजर क्रश की हुई बारीक आपने क्रश करनी है, ये ऐड कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल कम ज़्यादा कर सकते हैं। शिमला मिर्च आ गई जी, शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं इसमें हम। इसके बाद आ गई बंद गोभी, ये भी ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद चिकन इसमें ऐड कर देते हैं, चिकन भी ऐड हो गया। इसके अलावा प्याज बारीक बिल्कुल देखें हमने किया हुआ है, ये प्याज आ गया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, और सबसे पहले ऐड करूँगा मैं नमक, ये नमक ऐड हो गया जी। इसके बाद इसमें पिसा हुआ बारीक धनिया, इसके अलावा थोड़ी सी सुर्ख मिर्च पीसी हुई, बाकी हम इसमें दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च, हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च बेशक यूज़ ना करें। इसके अलावा ग्रीन अनियन, धनिया, ये देखें जी इसमें ऐड कर दिया हमने। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं बस। अब रेडी होने वाले हैं हमारी कटलेट्स, ज़बरदस्त किस्म के। तो पेस्ट हमारा रेडी हो गया इस वक्त, अब इसके हम कटलेट्स बनाएंगे। कटलेट्स इतना आप ले लें इसको, और ऐसे ये देखें कटलेट्स हमारे इस तरह के आपने शेप में बना लेने, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं ऐसे, ये देखें। तो कटलेट्स देखे मैंने बना लिए, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। आपने अंडे लेने हैं, अंडों में आपने डिप करके इन्हें बनाना है। ये देखिए इस तरह आप करते हैं, इससे ये टूटेंगे नहीं और इनकी शेप अच्छी बनेगी। तो ऑयल आपने हल्का हल्का इसे ऐसे शिफ्ट करते रहना ऑयल को, ताकि हर जगह पे आ जाए, ये देखें ऐसे। अब एक साइड से हम कर लेंगे अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच आपने नहीं करनी, दरमियानी सी में करनी है। अब हम साइड पलट लेते हैं इनकी, ये देखिए इस तरह सारों को पलट लें, दूसरी साइड से हम कर लेंगे। अब मैं ये उतार लेता हूँ, ये देखें, ये देखिए। तो केचप हम डालते हैं इस पर, इसके अलावा मायोनीज, मज़ेदार किस्म के कटलेट्स आप बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए भी दे सकते हैं, स्लाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल फूड मजास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तारिक खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।